डॉलर्स ने एक जदीद टेक्नोलॉजी बना दी है डीप फ्रॉस्ट के अंदर। डीप फ्रॉस्ट बहुत कम आपको साइड बाय साइड मिलेंगे या फोर डोर मिलेंगे। जिस तरह आपके पुराने फ्रिज होते हैं कराची में, आपको पता है कि लाइट बहुत जाती है, तो इन्होंने डीप फ्रॉस्ट बना दिया। ऊपर डीप फ्रीजर दे दिया पूरा, और नीचे जो है इन्होंने आपको फ्रिज दे दिया है, एक बहुत लग्जरी फ्रिज, और आपको फोर डोर मिल रहा है के लो वोल्टेज है, तो लोग इसको इन्वर्टर करके भी बेच देते हैं। लेकिन जो अवान्ते जिसपे लिखा हुआ है वो जस्ट फ्रिज है, नॉन इन्वर्टर है, ठीक है, लो वोल्टेज पे जरूर चलता है, बट नॉन इन्वर्टर है। ये टोटल बाहर से ग्लास डोर होता है, लेकिन इसकी जो खासियत है वो मैं आपको बताऊं कि ये बनता है ओपन चैम्बर पर। खुदा ना खास्ता अगर लीक हो जाता है तो इस पर आप एक टाका लगाएं और ये 8-10 साल फिर चलेगा। अच्छा, ये ओपन चैम्बर है, ये प्लास्टिक चैम्बर नहीं है, बाकी में ऐसा नहीं है। ये जो है ये बॉटल रखने का आ गया। और इसमें सबसे मेन चीज जो है ना, जो घर की लेडीज है वो बहुत परेशान होती है कि यार आलू कहाँ रखे, प्याज कहाँ रखे, तो इसके अंदर ये आलू प्याज के लिए इन्होंने ट्रे दे दिए। इसमें सबसे मेन चीज इसके कूलिंग बैंक के अंदर एंटी बैक्टेरियल, मतलब आपने देखा होगा अक्सर वो लाल बैग वगैरह कुछ इस तरह कीड़े जो घुस जाते हैं वो इसमें नहीं घुसेंगे, और 100% कॉपर कॉइल है। हाँ, ये टोटल ग्लास डोर इन्होंने अभी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है पहल की, इन्होंने भी टोटल ग्लास डोर कर दिया है। आपको ये बताऊं कि तमाम फ्रिजेस के मुकाबले में पहल का जो डीप फ्रीजर है वो बड़ा होता है। हाँ, इन्वर्टर, डिजिटल इन्वर्टर, वही टेस्ट सिस्टम पूरा ऑपरेट करने के लिए आपको बाहर से इसको ऑपरेट कर लेना है, अंदर घुसने की इसके अंदर जरूरत नहीं है। दूसरी बात, यहाँ से आप इसको चाइल्ड लॉक भी कर सकते हैं। ये देखें, ये चाइल्ड लॉक का बटन है, ठीक है, तो इसको हम प्रेस करेंगे, इसको जितनी देर के लिए हम लॉक करना चाहते हैं हम इसको कर सकते हैं। ये आपके रेफरेंस से अगर कोई भी आएगा तो शेख आतिफ साहब आपसे वादा कर रहे हैं कि हायर का फ्रिज लेते हैं या डॉलर्स का फ्रिज लेते हैं या फिर कोई भी फ्रिज लेते हैं, उस पर इनको एक आयरन गिफ्ट दूंगा और ओरिजिनल आयरन गिफ्ट दूंगा। डॉलर्स के फ्रिज पे डॉलर्स की आयरन दूंगा और हायर के फ्रिज पे आपको नेशनल की आयरन दूंगा, जो कि 4,500-5,000 रुपए की है। अगर उनको आयरन नहीं चाहिए तो वो उनको मैं डिस्काउंट दे दूंगा। ये आपके डिस्काउंट देंगे जितने की आयरन है? जी, जितने की आयरन, और मेरे पास आयरन जो आपको मिलेंगी वो तमाम ओरिजिनल है। अगर वो मुझसे बोलते हैं कि यार हमें डॉलर्स की आयरन नहीं चाहिए, हमें पैनासोनिक की दे दें या नेशनल की दे दें, तो मैं वो भी दे दूंगा उनको। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, आज हम आए हैं HRM इलेक्ट्रॉनिक्स पर, और यहाँ फ्रिज के हवाले से जो नई कीमतें हैं उसके हवाले से हम आतिफ भाई से बात करेंगे। तमाम मॉडल भी आपको दिखाएंगे और जो ऑफर लगाई हुई है उन्होंने फ्रिज पर, वो भी उसके हवाले से भी बात करेंगे। बात करते हैं आतिफ भाई से। अस्सलाम वालेकुम आतिफ भाई, क्या दिखा रहे हैं आज? वालेकुम अस्सलाम सर, आज आपको साइड बाई साइड और डॉलर्स के फ्रिज और हायर के फ्रिज, तमाम फ्रिज मौजूद हैं। आज आपको रेफ्रिजरेटर दिखाता हूँ, और बड़े ज़बरदस्त, मतलब अगर आपको नॉन फ्रॉस्ट पे जाना है तो नॉन फ्रॉस्ट पे अगर आप जाना चाहते हैं तो ये डबल डोर आजकल जो है एक बहुत अच्छा और जदीद है, मतलब वन साइड डीप फ्रीजर, सही, ये डीप फ्रीजर है, हाँ, और वन साइड इसका फ्रिज है। कौन सी कंपनी का और क्या क्या इसकी क्वालिटी है? हायर कंपनी का है, इन्होंने नॉन फ्रॉस्ट बनाया है और क्वालिटी अच्छी क्वालिटी है। इसके बाद अगर हम ये क्या टच पैनल दिया हुआ है? हाँ, इसमें ये डिजिटल पैनल है सारा, मतलब पहले पुराने जमाने में पहले अंदर से घुमाओ फ्रिज को फिर ऑपरेट करो, इसमें डिजिटल है, आराम से आप अपने टेम्परेचर को सेट कर सकते हैं। वाईफाई वगैरह बिल्ट इन होता है इसके अंदर, क्वालिटी बहुत आला है। वारंटी वगैरह क्या है सर? 10+3 इसकी वारंटी है, 10 ईयर इसके कंप्रेसर की वारंटी होती है, और इसके 3 ईयर जो है इसके पार्ट्स की और कार्ट की वारंटी होती है। अच्छा, ये पाकिस्तानी है या? हाँ सर, ये मेड इन पाकिस्तान है और हायर कंपनी का है। इसके बाद डॉलर्स ने एक जदीद टेक्नोलॉजी बना दी है डीप फ्रॉस्ट के अंदर। डीप फ्रॉस्ट बहुत कम आपको साइड बाय साइड मिलेंगे या फोर डोर मिलेंगे। अच्छा, तो, ये ग्लास उसमें? हाँ, ये ग्लास डोर में, और इन्होंने डीप फ्रॉस्ट बना दिया। जिस तरह आपके पुराने फ्रिज होते हैं कराची में, आपको पता है कि लाइट बहुत जाती है, तो इन्होंने डीप फ्रॉस्ट बना दिया। ऊपर डीप फ्रीजर दे दिया पूरा, और नीचे जो है इन्होंने आपको फ्रिज दे दिया है, एक बहुत लग्जरी फ्रिज, और आपको फोर डोर मिल रहा है। बड़ा स्पेस है इसके अंदर, क्या साइज होगा ये? बड़ा जबरदस्त, इसका जो स्पेक्स जो है इसके सर, ये भी डिजिटल है, और इसके जो कंप्रेसर की गारंटी है वो 12 ईयर है, वारंटी भी ज्यादा दे रहे हैं, और इसके कार्ड और पार्ट्स की वारंटी जो है वो आपको 4 साल दे रहे हैं। और इसके आते भाई, इसके क्या प्राइस है? सर, प्राइस रेंज इसकी जो स्टार्टिंग प्राइस रेंज है, इसमें तकरीबन 4 या 5 मॉडल हैं, तो स्टार्टिंग प्राइस रेंज जो है इसकी 255 से लेके और 325 तक में आपको डॉलर्स में फोर डोर डीप फ्रॉस्ट मिल जाएगा। और इसमें हायर में?
हायर के अंदर जो रेंज है वो 225 से लेके और तकरीबन 290 तक का इसका मॉडल है। तीन मॉडल आते हैं इसमें, आईसीजी, आईबीजी और एक आता है 578 इसके जो मॉडल है। तो आपको दो मॉडल जो आपने दिखाया ये जो है ये आईसीजी 622 लगा हुआ है, मतलब 622 मॉडल है और अभी सबसे लेटेस्ट और सबसे लार्ज फ्रिज इनका ये है। उसके बाद अगर हम आ जाते हैं तो फिर एक ये डिजिटल में इन्होंने बहुत अच्छी क्वालिटी बना दी है, हायर का हाँ इन्वर्टर, डिजिटल इन्वर्टर, वही टच सिस्टम पूरा ऑपरेट करने के लिए। आपको बाहर से इसको ऑपरेट कर लेना है, अंदर घुसने की इसके अंदर जरूरत नहीं है। दूसरी बात, यहाँ से आप इसको चाइल्ड लॉक भी कर सकते हैं। वो किस तरह होगा? ये देखें, ये चाइल्ड लॉक का बटन है, ठीक है। तो इसको हम प्रेस करेंगे, इसको जितनी देर के लिए हम लॉक करना चाहते हैं हम इसको कर सकते हैं। और फिर वो जो बच्चे आपने देखे ना अक्सर वो खोलते रहते हैं और फिर उसको प्रॉब्लम आती है, तो वो प्रॉब्लम नहीं आएगी आपकी, मतलब ये लॉक हो जाएगा। हाँ ये लॉक हो जाएगा। इसको दिखाएंगे जरा अंदर से। हाँ जी बिल्कुल, ये टोटल इन्होंने ग्लास डोर बना दिया, बड़ा खूबसूरत शेप है, बड़ा साइज लग रहा है। हाँ ये सबसे बड़ा साइज होता है इनका। इसका मॉडल नंबर होता है 538, 538। कितने क्यूबिक है सर? ये 20 क्यूबिक फिट के लाता है। 20 क्यूबिक। इन्होंने एक, इनकी एक खासियत है कि इन्होंने एक क्वालिटी इसके अंदर डीप फ्रीजर में भी आपको जो है लाइट दे दी है। अक्सर आपने डीप फ्रीजर में देखा होगा लाइट नहीं है, डबल लाइट है। वैसे अब जो नए मॉडल आ रहे हैं उनमें तकरीबन लाइट्स आती है। ये क्या? ये सर इसका पावर बैंक लगा हुआ है, अगर आपकी लाइट चले जाती है तो कूलिंग बरकरार रखनी है। यूज टू पे भी आपका ये वर्क करेगा और कूलिंग आपकी बरकरार रखेगा। तो नीचे जो है वो भी ग्लास, सेम नीचे भी इन्होंने पावर बैंक दिया है, टोटल ग्लास है ये। सही। और ये इसमें ड्रॉस भी डबल दी हुई है। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। फ्रेश बॉक्स दे दिए हैं और इसमें आप वेजिटेबल रख सकते हैं और काफी चीजें हैं। तो इसके क्या रेंज है, प्राइस रेंज? सर इसकी प्राइस रेंज जो है ये 121 से और 140 तक का आपको इसमें मिल जाएंगे। चार मॉडल आते हैं। कोई अगर हमारे वीडियो के रेफरेंस से आता है तो देखें, अगर आपके जो रेफरेंस से आएगा ना, वैसे मैं तकरीबन इलेक्ट्रॉनिक वाले ऑफिशियल वन, मेरा एक अकाउंट है टिकटॉक पे और मुझे तकरीबन एशिया में सही काफी लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी आपके रेफरेंस से अगर कोई भी आएगा तो शेख आतिफ साहब आपसे वादा कर रहे हैं कि हायर का फ्रिज लेते हैं या डॉलर्स का फ्रिज लेते हैं या फिर कोई भी फ्रिज लेते हैं उस पर इनको एक आयरन गिफ्ट दूंगा और ओरिजिनल आयरन गिफ्ट दूंगा। डॉलेंस के फ्रिज पे डॉलेंस की आयरन दूंगा और हायर के फ्रिज पे आपको नेशनल की आयरन दूंगा जो कि 4,500-5,000 रुपए की है। अच्छा। ये आपके रेफरेंस से आने वाला है। सही। ये आपके लिए मैं डील भी लगा रहा हूँ। ठीक है। अब ये डॉलेंस का फ्रिज है, नॉन इन्वर्टर है बट ग्लास डोर है, टोटल ग्लास डोर है। हाँ ये नॉन इन्वर्टर है और ये लो वोल्टेज पे चलता है, ये भी टोटल ग्लास। ये भी ऊपर डीप फ्रीज है और नीचे फ्रिज है। फ्रिज है। अच्छा इसमें भी देखें, आपने पावर कूल लगा हुआ है। इसका भी एक पावर कूल का ऑप्शन ये है कि ये भी यूज टू पे, अगर लाइट आपका 6-7-8 घंटे नहीं है और ये यूज कर रहे हैं तो आपकी कूलिंग बरकरार रहेगी। फ्रिज अगर रात को बंद कर दिया जाए? जी ऐसा ही होते हैं, रात को बंद कर देते हैं तो सुबह तक कूलिंग रहेगी। हाँ बिल्कुल 100% रहेगी, क्योंकि लोड शेडिंग आपको पता है ज्यादा भी है और आपको यूनिट का भी अंदाजा है कि कितने यूनिट बढ़ गए। तो ये पावर बैंक और पावर कूलिंग बैंक इसीलिए लगाया गया, इसके अंदर भी डीप फ्रीजर में इन्होंने लाइट दी है। नए मॉडल्स में आपको लाइट्स मिलेगी। सही, जिस तरह हायर में आई ऐसी। हाँ ये देखें, वो टॉप पे इन्होंने डीप फ्रीजर में लाइट दे दी है। सही, वरना पहले नहीं आती। हाँ पहले डीप फ्रीजर में लाइट नहीं होती थी और फिर अंधेरे के अंदर जो है वो आपको मुश्किल होता था सामान के लिए। तो ये क्या मॉडल है और कितने? सर ये भी 20 क्यूबिक फिट है, इसका मॉडल नंबर है 91999 अवंटे। अच्छा अवंटे और अवंटे प्लस का मैं बता दूं, जिसमें खाली अवंटे लिखा हुआ है वो जो है नॉन इन्वर्टर है, ठीक है। अक्सर लोग धोखा खा जाते हैं क्योंकि यहाँ पे भी लिखा होता है कि लो वोल्टेज है तो लोग इसको इन्वर्टर करके भी बेच देते हैं, लेकिन जो अवंटे जिसपे लिखा हुआ है वो जस्ट फ्रिज है, नॉन इन्वर्टर है, ठीक है। लो वोल्टेज पे जरूर चलता है बट नॉन इन्वर्टर है। अब इसी तरह आप अच्छा, इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर कितना फर्क आता है बिजली में? सर अगर आप नॉन इन्वर्टर लेते हैं तो वो 170-180 वॉट पे स्टार्ट होता है, ठीक है। और अगर आप इन्वर्टर पे जाते हैं तो ये 100 वॉट पे स्टार्ट होता है, मतलब आपके 2-3 दिन के अंदर एक यूनिट गिराता है। तीन दिन में एक यूनिट? हाँ, और अगर आप इस पे जाते हैं तो ये एक दिन में तकरीबन एक यूनिट गिराता है। अच्छा, यानी कि और डबल फर्क। हाँ इसके अंदर तीन दिन के अंदर आपका, तीन दिन या ढाई दिन के अंदर आपका जो है वो एक यूनिट गिराएगा। ये इन्वर्टर है। अब देखें ये लिखा हुआ है इस पे अवंटे प्लस, सही। किसी पे ये नहीं लिखा होता इन्वर्टर टेक्नोलॉजी ना, सही। किसी मॉडल्स पे तो अवंटे प्लस जिस पे लिखा होगा वो इन्वर्टर है। अच्छा ये भी जो है 20 क्यूबिक है? हाँ ये भी 20 क्यूबिक फिट है
वारंटी आपको मैं बता चुका हूँ, जिस तरह साइड बाय साइड की वारंटी है वैसे इसकी भी वारंटी है, 12+4 मतलब 4 साल कार्ड की वारंटी और 12 साल जो है इसके कंप्रेसर की वारंटी। ये भी ग्लास डोर है? हाँ, ये भी टोटल ग्लास डोर है, पूरा ग्लास है, पावर कूल बैंक इसके अंदर भी लगा हुआ है, लाइट भी दी हुई है जी। अच्छा, मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि आप लोग ज्यादातर आपके भी बायर और जिनको भी ये बायर करना है, बाय करना है, तो उन्होंने डॉलेंस या कैनवुड या पैल पे जाना है, तो इनकी टेक्नोलॉजी बहुत जबरदस्त है। सही, तो इसका क्या प्राइस रेंज है? सर इसकी जो प्राइस रेंज है वो 135 से लेके और 160 तक के, इसके तकरीबन 8 या 9 मॉडल है खाली इन्वर्टर के डॉलेंस के अंदर, मुख्तलिफ कलर्स में आते हैं, इसमें एक क्लाउड व्हाइट कलर भी आता है जो कि बहुत जबरदस्त है और उसकी डिमांड ज्यादा है। उसके बाद हम अगर आ जाते हैं तो मेरी सबसे प्यारी और सबसे पुरानी च्वाइस कैनवुड सबसे बेहतर मेरी नजर में, बाकी कस्टमर क्या सोचता है ये कस्टमर अपने उस पर डिपेंड करता है कि ये भी ग्लास डोर है और इसमें जी ये टोटल बाहर से ग्लास डोर होता है, लेकिन इसकी जो खासियत है वो मैं आपको बताऊं कि ये बनता है ओपन चैम्बर पर, जैसे कि हम अभी पूरी वीडियो में आपकी बात करते हुए आ रहे हैं कि यार अगर हम बंद कर दें तो कूलिंग जाया ना हो हमारी और हम काम करते हैं, तो ये जो है आपका अल्लाह आपका भला करे, इसमें भी डीप फ्रीजर में लाइट है और ये ओपन चैम्बर है, खुदा ना खास्ता अगर लीक हो जाता है तो इस पर आप एक टाका लगाएं और ये 8-10 साल फिर चलेगा। अच्छा। ये ओपन चैम्बर है, ये प्लास्टिक चैम्बर नहीं है, बाकियों में ऐसा नहीं है, इसके अंदर आपको ये तमाम फैसिलिटीज दी हुई है, इसके अंदर बॉटल्स का भी दिया हुआ है आपको, ये जो है ये बॉटल रखने का आ गया। और इसमें सबसे मेन चीज जो है ना, जो घर की लेडीज है वो बहुत परेशान होती है कि यार हम आलू कहाँ रखे, प्याज कहाँ रखे, तो इसके अंदर ये आलू प्याज के लिए इन्होंने ट्रे दे दिए। और ये जो ऊपर जो टोकरी है ये अलग है। हाँ, ये जो आपका जो नरम वेजिटेबल होता है उसके लिए है, और अगर ये सूखा जो आप रखते हैं ना कभी अदरक लहसुन वगैरह, आपने लहसुन अदरक तो नहीं लहसुन और आलू प्याज अगर आप रखना चाहें तो इसके अंदर इन्होंने एक बॉक्स दे दिया, बहुत अच्छा, नहीं बिल्कुल भी खराब नहीं होगा क्योंकि वो ड्राई है ना, ड्राई में आपको उसमें फायदा होता है। ब्रांड पे मत जाइएगा कि ब्रांड हम कैनवुड ले रहे हैं, मैं कह रहा हूँ अगर ये हायर के अंदर भी ओपन चैम्बर होगा तो आप ओपन चैम्बर लें, इसमें आपकी क्वालिटी और आपकी रिलायबिलिटी बहुत अच्छी हो जाती है फ्रिज की, तो मशवरा है, बाकी आप लोग क्या सोचते हैं लेट्स सी, देखते हैं आप लोग क्या सोचते हैं। अच्छा, इसकी क्या प्राइस रेंज? हाँ सर, अगर ये प्राइस रेंज में आपको 125 से लेके और 145 तक का मिल जाएगा, इसमें मुख्तलिफ कलर और मुख्तलिफ डिजाइन आते हैं, मुख्तलिफ मॉडल। ये कौन सा मॉडल है? सर ये न्यू परसोना प्लस अभी 2024 का मॉडल है, न्यू परसोना प्लस। सही। ये आपका 35% जो है बिजली भी सेव करता है और कूलिंग बैंक इसके अंदर है जिस तरह मैंने आपको दिखाया, और इसमें सबसे मेन चीज इसके कूलिंग बैंक के अंदर एंटी बैक्टेरियल, मतलब आपने देखा होगा अक्सर वो लाल बैग वगैरह कुछ इस तरह कीड़े जो घुस जाते हैं वो इसमें नहीं घुसेंगे, और 100% कॉपर कॉइल है। इसी तरह मेरी दूसरी च्वाइस पेल, पहल के बारे में आप भाई को कमेंट्स करके भी बताइएगा कि आप लोग जितने भी इस वीडियो को देखेंगे तो आप कमेंट्स करके भी बताइएगा कि पहल रिलायबल है, इसकी क्वालिटी क्या है, ये कमेंट जरूर कीजिएगा भाई को। तो इसमें क्या? ये भी इन्वर्टर है आपका जो है ना, पर ईयर 5000 जो है ये सेव करेगा आपका, 100 वॉट पे स्टार्ट होता है, जनरेटर UPS और सोलर जो आजकल चल रहा है सब पे आपका ये ऑपरेट है, 100% कॉपर है और ABS प्लास्टिक से बना हुआ है, मतलब जो गाड़ी के अंदर ABS प्लास्टिक होता है ना कारों में, ये उससे बना हुआ है। अच्छा, इसको जरा खोल के दिखा। हाँ, ये टोटल ग्लास डोर इन्होंने अभी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है पहल की, इन्होंने भी टोटल ग्लास डोर कर दिया है। ये कितने क्यूबिक है? ये भी 20 क्यूबिक फिट है। इसमें ड्रॉज ज्यादा दी हुई है, 4 दिन? हाँ, अच्छा आपको ये बताऊं कि तमाम फ्रिजेस के मुकाबले में पेल का जो डीप फ्रीजर है वो बड़ा होता है। अच्छा, ठीक है, और पेल का जो फ्रिज का पोर्शन है वो तमाम फ्रिज के बराबर होता है, लेकिन डीप फ्रीजर का जो पोर्शन है वो बड़ा होता है, वो तमाम फ्रिजेस से बड़ा होता है। बकरा ईद पे आपको लोगों को बहुत काम आएगा ये। स्मार्ट लाइटिंग? अच्छा, इसमें भी लाइट? हाँ जी, इसमें स्मार्ट लाइट LED दे दिया है। अच्छा, इसकी लाइट जो है वो सबसे मुनफरिद और सबसे स्टाइलिश है। इसमें क्या स्टाइलिश है? ये LED और LED लाइट, और इन्होंने बड़ा एक कॉम्पैक्ट सा बनाया हुआ है, क्वालिटी बहुत अच्छी बनाई हुई है, और 20 क्यूबिक फिट का फ्रिज है। अच्छा, ठीक है, इसके प्राइस रेंज क्या है? हाँ, अगर इस पे जाते हैं तो ये आपको 135 से और 150 तक में 4 मॉडल आते हैं इसके।
वो आपको मिल जाएंगे। और आपके रेफरेंस से कोई भी आएगा, बार बार अर्ज कर रहा हूँ, आपको एक डील दे रहा हूँ अच्छी सी, सही है, तो आपके रेफरेंस से कोई भी आएगा तो उसको 4 से 5 हज़ार रुपए वाली आयरन दे दूंगा। अगर उनको आयरन नहीं चाहिए तो वो उनको मैं डिस्काउंट दे दूंगा। ये आपके डिस्काउंट देंगे जितने की आयरन है? जी जितने की आयरन दिखा देंगे। कौन सी आयरन है? देखिए ये डॉलेंस की आयरन लगी हुई है, ठीक है, इसमें लाइट वेट हैवी वेट आपको जो चाहिए होगी मैं आपको डिस्काउंट दूंगा इस पे। और मेरे पास आयरन जो आपको मिलेंगी वो तमाम ओरिजिनल है। अगर आप साथ फ्री देंगे? जी जी जी। और अगर जिनको आयरन नहीं चाहिए उनको इतने ही पैसे डिस्काउंट दे दूंगा। और कितने की आयरन है ये? अगर आप मुझसे वैसे खरीदते हैं तो 5,500 रुपए की आयरन है। और फ्रिज के साथ ये फ्री है? बिल्कुल। ये बाकी आपके पास? हाँ, और वो मुझसे जो भी बोलते हैं कि अगर वो बोलते हैं, आपके रेफरेंस वालों की बात कर रहा हूँ, ठीक है, अगर वो मुझसे बोलते हैं कि यार हमें डॉलेंस की आयरन नहीं चाहिए, हमें पैनासोनिक की दे दें या नेशनल की दे दें, तो मैं वो भी दे दूंगा उनको। होमेज और कैनवुड ये सेम ब्रांड है। अगर आप होमेज पे जाएंगे तो समझे आपने कैनवुड लिया, अगर आप कैनवुड पे जाएंगे तो समझे आपने होमेज लिया। एक ही कंपनी है होमेज, टोटल कैनवुड बनाता है। और ये वाला होमेज नहीं है जिनके आपने अक्सर वो देखे होंगे ये सोलर बना रहे हैं या फिर वो इनका इन्वर्टर बना रहे हैं, वो एक अलग कंपनी है। फ्रिजेस के इलेक्ट्रॉनिक में एसी ले लें या आप फ्रिज ले लें तो वो कैनवुड वाले बनाते हैं, समझे आप कैनवुड ले रहे हैं। होमेज सेम क्वालिटी है, सेम टेक्नोलॉजी है, उसी तरह का फ्रिज है बिल्कुल। ये नॉन इन्वर्टर है? जी ये नॉन इन्वर्टर है। और छोटा साइज है ये? जी ये छोटा साइज है। कितने क्यूबिक का है ये? सर 12 क्यूबिक फीट है। 12 क्यूबिक। इसके भी वही फीचर्स हैं जो आपको मैंने बताया कि आप अगर इसमें आलू प्याज रखना चाहते हैं, मतलब फ्रिज ही वही है सही। जो मैंने आपको कैनवुड के बारे में बताया वही सेम चीजें और सेम फीचर्स इसके अंदर। ये देखिए 35% अप टू है, वही चीज बिल्कुल सेम जिस तरह वो कैनवुड बनाता है वही सेम फीचर है। हाँ, क्योंकि कैनवुड और होमेज जो है वो सेम ब्रांड है। सही आते भाई, तो अगर कोई आना चाहे तो ज़रा आप अपनी लोकेशन समझा दें। हाँ सर, मेरी लोकेशन जो है बहुत आसान है, आपने डिस्को बेकरी गुलशन इकबाल डिस्को बेकरी आपने देखी होगी, तो वहाँ पर आएँ, उसके सामने इलेक्ट्रॉनिक मार्केट बनी हुई है। इलेक्ट्रॉनिक मार्केट जैसे ही क्रॉस करेंगे बैंक इस्लामी आएगा, बैंक इस्लामी से बिल्कुल अगला शोरूम जो है ना HRM इलेक्ट्रॉनिक, जहाँ पे आपके तवस्सुत से भी आ जाएँ और जो मेरा इलेक्ट्रॉनिक वाले ऑफिशियल वन जो मेरा अकाउंट है टिकटॉक पे या शेख आतिफ लिखते हैं, सही है, तो उस पर भी मेरा पूरा एड्रेस है और आप भी एड्रेस डाल दीजिएगा। अच्छा, मेरा नंबर जो है वो आप मेंशन कर दीजिएगा 03453087541। 2 बजे के बाद से रात को 5 बजे तक आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझसे कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप वो भी ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, फिर सभी लीला आपको अच्छा मशवरा दूंगा। आप यहाँ आओ या आप इस शॉप से या इस कराची से दूर हो सही है। तो भी आपको बेहतर से बेहतर मशवरा दे दूंगा। बस जजाकल्ला, दुआओं में याद रखिएगा और भाई के चैनल को जो है वो सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, जो मेरे फॉलोवर्स हैं वो भी और जो नए फॉलोवर्स हैं वो भी इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें। लाइक करने से और सब्सक्राइब करने से कुछ भी नहीं होता, ठीक है सर? जज़ाकअल्लाह।